नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ चुनाव आचार संहिता लगने के बाद सख्त हुए पुलिस प्रशासन ने चेकिंग के दौरान एक कार से 3.25 लाख रुपए बरामद किए हैं। वाहन में सवार लोगों ने रुपए का लेखा जोखा व वाहन के कागजात न दिखाने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रुपए को जब्त कर लिया और वाहन को सीज कर लिया। विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत थाना प्रभारी कोतवाली और चौकी प्रभारी पहाड़पुर चौराहे पर रात को चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति कार को पुलिस ने रोका। कार में 2 व्यक्ति बैठे मिले। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों का नाम पूछने के साथ ही कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने ड्राइवर सीट के नीचे गत्ते के कार्टून में 3,18,700 रुपए बरामद हुए। पुलिस ने इन रुपए के बारे में दोनों व्यक्तियों से हिसाब मांगा तो दोनों ने न तो संतोषजनक जवाब दे सके और न ही हिसाब दे सके, जिसके बाद पुलिस ने मुन्नू कुमार निवासी मोहल्ला अली नगर थाना मुबारकपुर व वाजिद निवासी जाफरपुर थाना सिधारी जनपद के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुट गई है। वही बरामद रुपए को जब्त कर वाहन को सीज कर दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि वर्तमान में आचार संहिता लागू है, तो समय समय पे अलग अलग पॉइंट्स पे, बैरियर पॉइंट्स पे पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सभी अधिकारी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। आज ये पहाड़पुर चौकी के सामने यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें लगभग 10 गाड़ियाँ सीज की गई हैं। 40 वाहन ऐसे हैं जिनसे ब्लैक फिल्म उतारी गई है। इसके साथ साथ एक संदिग्ध गाड़ी मिली जिससे 3 लाख के करीब कैश बरामद हुआ है। इनको पूछताछ के लिए अभी थाने लेके गए हैं कि इनसे कहाँ से इनके पास कैश आया, क्योंकि आचार संहिता जब लगी होती है तो हैवी कैश अगर किसी गाड़ी वाहन से बरामद होता है तो उसमें प्रॉपर तरीके से पूछताछ करके और आगे कार्रवाई की जाती है। ये अभियान इसी प्रकार से चलता रहेगा। 8 संदिग्ध लोग हैं जिनको थाने पर पूछताछ के लिए ले जाया गया है। उसको क्या उनकी कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी और अलग अलग पॉइंट्स पे पॉइंट बदल के टाइम बदल के चेकिंग अभियान चलता रहेगा। जनपद के लोगों से भी मेरा अनुरोध है, जिन भी लोगों ने ब्लैक फिल्म अपने वाहनों पर लगा रखी है या हूटर लगाए हुए हैं उसको तत्काल हटा लें। पुलिस को अगर आपके वाहनों पर ये लगा हुआ मिला तो बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी और आपके वाहन की सीजर की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ साथ आचार संहिता के अंतर्गत जो झंडे लोग अगर कोई लगा के चलता है या कोई पोस्टर लगा के चलता है बिना अनुमति के, तो उसमें भी FIR पंजीकृत किए जाने का प्रावधान है। उसको भी हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।